से है जहां पुलिस ने अवैध शराब बनाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, मुखबिर की सूचना पर पुलिस को पता चला कि पिपरई थाना अंतर्गत मुंडरा गांव में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाई जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 6000 लीटर शराब को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही उसे नष्ट कर दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी अभी फरार है और पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अशोकनगर एवं श्रीमान एडिशनल एसपी महोदय अशोकनगर एवं एसडीओपी महोदय मंगौली द्वारा अवैध कच्ची शराब के बारे में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके पालन में आज मुझ टीआई सुरेश नागर को चरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि मुंडरा बादरा पारदियों के डेरे के पास नदी के किनारे हाथ भट्टी की कच्ची शराब मर रही है।